चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 10वीं की आपकी भारत और समकालीन विश्व सेकंड के नाम से जो बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें आपके चार चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर तीसरा चैप्टर था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चौथा चैप्टर था उद्योगीकरण का युग, और आज की इस क्लास में हमें बात करना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। याद रखिए कुछ ये चैप्टर भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए, वैसे तो आपको बता चुका हूं कि आपको कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी कवर करनी है, पढ़नी है, और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि आपकी सभी एनसीईआरटी आपको कवर करवा दी जाए। तो कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं, और एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें सभी आपकी क्लासें डली हुई, और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और याद रखिए, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की, इसे पढ़ना ही पड़ेगी आपको, तो इसलिए समय रहते हुए आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग दो लास्ट चैप्टर इसका देखते हैं। इसके बाद एक किताब और बचती है कक्षा 10वीं की, विज्ञान यानी कि साइंस। उसके बाद आप हम लोग 11वीं की बुक्स देखेंगे। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, तो एक बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपने देखा होगा अभी तक, अगर आप जुड़े रहे हैं तो कोई ऐसा शब्द मिला हो आपको जो आपको समझ में ना आया हो। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है एक तरह से। आप अगर एक से दो बार पढ़ते हैं तो आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम अपने चारों तरफ जहां भी नजर दौड़ाएं, हम कोई ना कोई छपी हुई चीज दिखाई देगी। किताबें होंगे या पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन, सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा भी लेते हैं। हम मौद्रिक दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं, या सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है, और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। यह इतिहास क्या है? समाज में मौद्रिक सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश भी करेंगे। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, इतिहास का सीधा सा मतलब ये लिया करिएगा कि आज हम लोग ठीक हैं, जिंदगी जी रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं ये कल आने वाले समय में इतिहास बनेगा। तो यानी कि हम लोग पूर्व की जो भी चीजें देखते हैं, जो भी काम देखते हैं, जो भी घटनाएं घटी हुई, वही तो इतिहास है। हम लोग भी तो कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं का इतिहास यही रहा है, यानी कि हमारे बाप दादाओं ने ये काम किए हैं। तो आज आप लोग सोच रहे हो कि हम जो भी काम कर रहे हैं, देखिए अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो इतिहास में वही दर्ज रहेगा। हो सकता है कि आप कोई अच्छा काम करें तो आपको इतिहास याद रखे, हो सकता है कि कोई गलत काम करे, हो सकता है कि ऐसे भी रहेंगे जिनका इतिहास में कभी नाम नहीं रख सकता है, क्योंकि देखते हैं लाखों करोड़ों लोग हैं, हम किसे किसे याद रखते हैं? उसी को याद रखते हैं जो कम से कम कुछ काम करता है इतिहास में, उसे मतलब कुछ स्थान मिलता है तभी वो, क्योंकि आप देखिए 135 करोड़ के करीब आपकी जनसंख्या हो गई है, कितने लोगों को याद रखेंगे हम लोग? डेली लाखों पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, किसे किसे याद रखेंगे? तो कुछ अच्छे कामों को याद रखा जाता है, मुझे लगता है समाज के लिए जो जरूरी है। तो इस तरह के आप लोग भी आज गांधी को पढ़ते हैं, भगत सिंह को पढ़ते हैं हम लोग, देखिए जिनकी बचपन की उम्र थी, मतलब सोचिए खेलने कूदने के दिन थे, उन लोगों ने भी देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया एक तरह से। अभी कुछ ही दिन पहलों की है, पहले की बात है कि मैं लॉकडाउन के बाद की बात है आपकी, कि कई इतिहासकार ऐसे थे जिन्हें मैं जानता हूं पर्सनली, उन लोगों से मिला, मतलब बात की मैंने,
पता है उनका सबका एक ही कहना था कि आपने देखा है कि हमारा इतिहास आज का नहीं है, भारत का इतिहास लाखों सालों मतलब हजारों साल पहले का इतिहास है हमारा। प्राचीन काल आपने देखा है, मध्यकालीन भारत देखा है आपने, आधुनिक भारत देखा है। आपने देखा है कि हमारे देश पर हजारों तरह के आक्रमण हुए, कभी अंग्रेजों ने, कभी मुस्लिमों ने, कभी किसी और ने, कभी किसी और ने, लेकिन जो हमारी परंपरा थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा कल्चर था, वो आज भी बरकरार है हजारों साल के बाद भी। लेकिन आपने देखा है कि 1947 में हम आजाद हुए। आजाद का ये मतलब नहीं था कि हमें पूरी तरह से आजादी मिल गई, एक तरह से आजाद होने की प्रक्रिया 1947 से आजाद मिल जाती है, क्योंकि हमारे देश के जो भी नेता थे उनके हाथ में आ चुकी थी कि किसे क्या देना है। अंग्रेजों से हम लोग छूट छूट चुके थे, लेकिन हमने देखा है कि 1947 के बाद जो हमारी संस्कृति पर चोट हुई, जो हमारी मतलब आप देख रहे हैं कि संस्कृति पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त करते जा रहे हैं, तो यही टाइम इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए हमारा, या तो आप कह सकते हैं कि हमारा ही समाज इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग लास्ट में यही बात कर रहे थे कि इतिहास यही है, जो भी आज आप लिखेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में पढ़ेगी तो वो भी कहेंगे कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारी पीढ़ियों में ऐसे ऐसे हुए ऐसा, ठीक है। और लिखने की कला की बात करूं तो आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता देखते हैं आप लोग, पाषाण काल देखते हैं आप लोग, उस समय इस तरह हम लोग आप देखिए कि आज हम लोग देखते हैं कि किसी पत्थर को देखा है या फिर कोई पुरानी चीज मिल जाती थी तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। तो आप देखते हैं कि उस समय हम लोग इसी चीजों के भरोसे एक तरह से जानने की कोशिश करते थे उस समय को। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि एक क्रम हुआ, लिखने की कला चली, उसके बाद आपने देखा है कि उन्हें पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, या तो भाषा ऐसी थी कि उन्हें हम समझ भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आपने देखा कि ऐसी भाषा का उपयोग होने लगा जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं और उस समय के बारे में जान भी सकते हैं। तो उन्हीं सभी के बारे में देखने की कोशिश करता हूं। इस चित्र को आप देख रहे होंगे, फ्रेंट के आने से पहले पुस्तक निर्माण अखलाक ए नसीरी 1595 से, भारत का एक शाही वर्कशॉप भारत में छपाई आने से काफी पहले, यहाँ पर पाठ को पहले बोलकर लिखाया जा रहा है, फिर तस्वीर बनाई जा रही है। पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था। छापे खाने के आने के बाद इनकलाब का क्या हुआ, यह सोचने लायक है। आज आप लोग सोचिए कि एक समय हुआ करता था कि हम हाथ से पुस्तक लिख दिया करते थे, आपने देखा होगा कई पुस्तकें ऐसी आपको मिल भी जाएगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप पुस्तक हाथ से नहीं लिखे जा रहे, बाकायदा आप देखते हैं प्रिंट होती है, आप लोग टाइपिंग करवा लेते हैं, उसे लिखवा कर पूरी प्रिंट आ जाती है। तो ये यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं प्रौद्योगिकी या तकनीक का कमाल है। एक समय आप भी देखते थे जन्म कुंडली आपके, हमारे धर्म में हम लोग हिंदू हैं तो हमारे यहाँ मन इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जन्म डेट भी लिख दी जाती थी और पंडित जी के द्वारा हाथ से पूरा लिखाया जाता था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि वो भी प्रिंटिंग के द्वारा पूरी प्राप्त हो जाती है आपको। चलते हैं शुरुआती छपी किताबों के बारे में जानते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में विकसित हुई, और इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कागज का उपयोग चीन में ही हुआ है। यह छपाई हाथ से होती थी, तकरीबन 594 ईस्वी से, यानी कि 594 AD से चीन में स्याही लगे कार्ड के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताबें एकोर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खोसनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुस खत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। यहां आपने एक शब्द सुना है खुसनवीसी, सुलेखन, इसका मतलब होता है सुलेखन। याद रखिए आप लोग सभी शब्द आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लिया करिए, बड़े ध्यान से आपको सुननी है। और एक तरफ इसलिए छपाई की जाती थी कि इतना पतला या कह सकते हैं आप लोग की स्याही गिरने से, आज भी तो आप देखते हैं कि कई ऐसे पेन आते हैं कि एक तरफ आप लिखते हैं दूसरी तरफ उसकी छवि आ जाती है, तो ये आगे पढ़ने में आप अगर दोनों तरफ लिख देंगे तो पढ़ने में भी आपको बड़ी कठिनाई होगी, तो कई बार आप देखते हैं कि एक तरफ ही छपे रहते हैं। और सुलेखन या खुसनवीसी ये आपकी किताबों का
दक्ष लेखक या कह सकते हैं आप लोग एक तरह से हुआ करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्ति चीन के नौकरशाही भी विशालकाय थे, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाते थे। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बड़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई थी। आप देखते हैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे, तो इसमें भी देखा जाता है कि किताबों की जैसे ही मांग बढ़ती गई उसी तरह छपाई होती गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक सगल भी बन गया। एक नए पाठक को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया। कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। आप सभी लोग भी जानते हैं कि एक समय आप भी जानते थे कि हमारे यहाँ जो भी बैंक में आप देखते थे कि हम लोग पैसे निकालने जा रहे हैं या जमा करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि रजिस्टर पर लिख दिया जाता था। तो उस समय आप कह सकते हैं कि इस तरह की तकनीक नहीं थी, तो इसलिए उपयोग होता था इस तरह के रजिस्टर। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटरों का उपयोग होने लगा है, तो सभी क्षेत्रों में आप देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, पढ़ाई में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। तो यही काम था। उससे पहले व्यापारी अपने दिमाग में ही याद रख लिया करते होंगे कि इस तरह की या कोई व्यवस्था होती होगी, तो वो अपने हिसाब से लिख लिया करते होंगे। लेकिन जब से इस तरह का कागज आया, किताबें आई, उसके बाद आपने देखा है कि अपनी जो भी लेन देन होता था, जो भी अपनी दैनिक जीवनचर्या हुआ करती थी, जो भी काम की चीजें हुआ करती थी, उन्हें लिखने लगी। महिलाएं भी पढ़ने लगी, बड़े घर की भी महिलाएं पढ़ने लगी, और भी नाटक हो लिखने लगे आपकी। कागज का यही तो सबसे बड़ा फायदा था कि आप ही सोचिए कि कागज आने के बाद, प्रिंट होने के बाद, एक सबसे बड़ी चीज यही हुई कि नाटक सहज कर भी रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, पढ़ने की नई संस्कृति एक नई तकनीकी के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाली शंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या आंतरिक छपाई ने ले लिया। एक बात आप लोगों को सीधा सीधा सा याद रखिए कि जब तकनीक बदलती जाती है तो हम लोग उसी में ढलते जाते हैं। सीधा सा कहने का मतलब यही है। आज से वो पहले हमारी जो भी आपकी पीढ़ियां हुआ करती होंगी, जो भी हमारे दादा परदादा जो भी रहते होंगे, उस समय जो उपयोग होता था वही उपयोग करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज की कंप्यूटर उस समय भी हुआ करता था, वो भी उपयोग करते थे। तो समय के साथ हर कोई बदलता रहता है। हम भी तो देखते थे, हम लोगों के पास मोबाइल की पहले सुविधा नहीं थी, या फिर महंगा था, हमारी पहुंच से इससे दूर थी। फिर देखा आपने कि बढ़ता गया, आज हम सबके पास मोबाइल है। तो ये समय के साथ सब बदलता रहता है, सीधी सी बात है। जापान में अगर मुद्रण की बात करें तो चीनी बौद्ध विचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत थे, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदित हैं तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ भी थी। आप भी जानते हैं इस बात को, तुम डायमंड सूत का एक पन्ना है बुक्स का, जापान की इस तरह की वहां जो भी लिपि हुआ करती होगी। एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि आप, चलिए मान लेता हूं, एक समय आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि गांव में आप लोग चाय और कॉफी पर ज्यादा जोर नहीं था, उस वहां लोग ज्यादा इस तरह की चीजों को उपयोग नहीं करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गांव में भी इस तरह की सुविधा हो गई, कॉफी वहां भी लोग पी रहे हैं, सुबह से चाय भी पीने लगे हैं। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने देखा, या तो गांव के लोग बाहर गए, वहां से संस्कृति यानी कि इस तरह की व्यवस्थाएं हुई, जान पहचान हुई कि चाय पी जाती है। आप समझ रहे हैं, आज देखते हैं आप लोग की पिज्जा बर्गर गाँव वाले भी जानने लगे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इस तरह से आप देखते हैं कि जो भी संस्कृति होती है, या जो भी खान पान होता है, रहन सहन, कपड़े, इस तरह की फैलती रहती है। आप सोचिए, एक समय मोबाइल आया होगा तो गांव में एकाएक नहीं आया गया होगा,
शहरों में आया होगा, बड़े लोगों के पास हुआ करता होगा, फिर बड़े लोगों के हाथ में देखा होगा, या तो बड़े लोग गांव की तरफ गए होंगे तब देखा होगा, या फिर वो लोग शहरों में आए होंगे तब देखा होगा, फिर देखा कि गांव में आपने पहुंच गया। इस तरह का आना जाना लगा रहता है। उस समय क्या हुआ करता था कि चीनी जो बौद्ध प्रचारक थे, यानी कि आपने देखा है कि बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं भी किया करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह के काम चलते रहते थे। आप देखते हैं हमारे देश में भी, तो देखते हैं बाहरी संस्कृति आती रहती थी, बाहरी भाषा भी आती रहती थी, बाहरी आप रहन सहन भी, पहन सहन सब कुछ आता रहता था, और हमारे देश से जो भी जाते थे वहां भी फैलाते थे। आप जानते हैं कि भारत, आप देखते हैं कि बुद्ध धर्म हमारे यहाँ का मेन धर्म है भारतीय उपमहाद्वीप का, लेकिन आज आप देखते हैं श्रीलंका में भी, आप देखेंगे बाहरी देशों, कई देशों में आपको इस तरह की धार्मिक संप्रदाय देखने को मिलेगा। तो कहां से गया? भारत से तो गया, कोई तो गया होगा वहां इस तरह की बातें करने। श्रीलंका में आप सुनते भी हैं कि अशोक, मौर्य साम्राज्य के सम्राट की बात कर रहा हूं, अशोक की, अशोक का पुत्र और पुत्री संगमिता, पुत्री का नाम था महेंद्र, उसका बेटा, ये तो श्रीलंका के प्रचार के लिए, इस तरह की आप लोग देखते भी हैं अभिलेखों में उसके, अशोक के, और अशोक ने कई यात्राएं भी करवाई, आप सभी लोग पढ़ते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने बायोग्राफी उनकी कवर कर ली है कि आपको मालूम तो होना चाहिए आपके जो भी महान शासक रहे हैं, महान सम्राट रहे हैं या स्वतंत्रता सेनानी रहे, सब सबकी कवर की हुई है बायोग्राफी। ठीक है, तो जाकर देखते रहिए बायोग्राफी के नाम से, फिले लिस्ट सूची है सबके बारे में, कोई किसी को नहीं छोड़ा है। आगे चलते हैं हम लोग। 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसमें जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, कि शहरी इलाकों की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चायघर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं, हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाएं संगीत, महिलाओं संगीत की साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, श्रष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबें से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। अब आप देखिए, आप खुद देखिए, इसमें यहाँ कुछ समझाने लायक है, कुछ ऐसा आपको कोई शब्द मिलता हो जो समझने लायक हो? मुझे लगता है कि इसमें कोई भी, और किसी भी कोचिंग में आपने देखा होगा कि आपको नहीं कहा जाता है कि आप NCERT हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपसे कह दिया जाता है कि आप खुद पढ़ लीजिए NCERT। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मैसेज कर दिया करिएगा, मैं बता भी दिया करूंगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में मध्य में त्रिपिटिका, कोरियाना, वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह, इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था, और इन्हें 2007 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भी किया गया है। ये आपको दिखाई भी दे रहा है। आज भी तो हम लोग देखते हैं कि कई के घरों में बहुत पुरानी पुस्तक भी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी आपको, आज की भी हम लोग पुस्तकें रख देते हैं। इसे भी देख लेते हैं, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है। किता गावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान किए, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी पीतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची, और माने मोने और वान गॉग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया इन्होंने। तिसु ताया, जुजा बोरो जैसे पिकासो ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार भी किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते। इसके बाद हुनरमंद बुड बिलोव शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपका कर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। इसे देख भी रहे होंगे आप लोग, कितागावा उतामारो की एक उकीय रचना। बड़ा नाम बेचैन रहता है, बड़ा मतलब उल्टा सीधा नाम लिखा जाता है। इसे भी देख रहे होंगे, इस पिक्चर्स को आप देख रहे हैं, सुबह का नजारा। रचयिता सुनमन कुहो, 18वीं सदी के अंत की बात है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यूरोप में मुद्रण का आना। तो याद रखिए, सबसे पहले आप देखते हैं चीन से शुरू होता है यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन ने रेशम और मसाले रेशम मार्ग में से यूरोप आते जाते रहे।
आपने देखा होगा रेशम मार्ग काफी चर्चा में भी रहा है। और याद रखिए यूरोप के जो भी यूरोपीय आए हैं, अंग्रेजी जो भी कंपनियां आई हैं, जो भी लोग आए हैं, वो शुरू शुरू में व्यापार के उद्देश्य से आए हुए थे। उनका मेन काम उद्देश्य व्यापार ही था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के या फिर चीन तरफ के देख सकते हैं, एशिया के एक तरह से आप कह सकते हैं कपड़ों और मसालों की बहुत मांग हुआ करती थी बाहरी दुनिया में, यूरोप के देशों में देख सकते हैं या बाहरी दुनिया में आप कहीं भी देख सकते हैं। इसीलिए आपने देखा है भारत में भी अंग्रेज आते हैं तो इसी उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से। कहा जाता है कि हमारे यहाँ के कपड़ों की इतनी मांग हुआ करती थी कि इन देशों के आप समझिए कि राजा महाराजा जो बड़े घराने हुआ करते थे वो भी हमारे यहाँ के कपड़ों का यूज करते थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंच गया। कहाँ? यूरोप में। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है कि चीन के पास वुड ब्लॉक, काठ की तख्ती, वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छापी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती बेलम या फिर चरम पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। एक बात आप लोगों ने मैंने बताया है कि चाय का सीधा सा उदाहरण, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। वैसे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, उदाहरण कोई भी ले सकते हैं आप लोग, जो भी आपको सूटेबल लगे। इसमें सीधा सा ये देख सकते हैं कि लोगों ने, बाहरी लोग जब भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में जाया करते होंगे, उन्होंने चाय पीते कॉफी पीते हुए शहरी लोगों को देखा होगा, तो वो भी जब वापसी अपने गांव गए होंगे तो उन्होंने भी इस तरह की परंपरा शुरू की होगी। फिर एक जगह से दूसरी जगह गई, तो जो मार्को पोलो था एक चीन में कुछ समय तक रहा, उसने इस तरह की व्यवस्थाएं देखी, इस तरह की तकनीक देखी, तो जब वो वहां वापस लौटा तो उस जानते हैं आप लोग, स्वाभाविक सी बात है उसने भी अच्छी तकनीक थी तो उसने भी अपने देश को अपनाने की बात कही। उसके बाद वहां भी इस तरह की छपाई होने लगी है। यहाँ आपने एक शब्द देखा है वेलम, चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह हुआ करती थी वेलम। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे और बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन में भी नए नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सो लेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे, यानी कि ये 50 लोगों को रोजगार देते थे। लेकिन किताबों की आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें भी थी। इसके लिए उनका सर्कुलेशन चलन गस्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक, पेंटिंग, तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। ये आप देख रहे होंगे, चित्र है आपके ऊपर, जिकजी कोरिया। कोरिया की जिकजी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता है। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख भी किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित यानी कि छापा गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है, दूसरा खंड फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीक की परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भी किया गया है। आगे है आपका, जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता है। और 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के जोहान गुटेनबर्ग में अंततः कर दिखाया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप सोचिए कि
बैलगाड़ी मिली हमें, ठीक है, उससे समय लगता था जाने में, तो आपने देखा एक साइकिल मिल गई, साइकिल से भी टाइम लगता था जाने में एक जगह से दूसरी, फिर आपने गाड़ी देखी, उसके बाद उसे भी टाइम लगता था, आज आप देख रहे हैं कि अच्छी 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 आपकी फोर व्हीलर है, उससे भी टाइम लगता था, ट्रेनों से भी टाइम लगता था, एक समय आप देख रहे हैं आपकी वायु प्लेन, मतलब आपको हवाई जहाज इस तरह की सुविधा हो गई। तो याद रखिए आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं समय के साथ, और इस तरह की तकनीकों का मतलब उद्भव होता रहता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी जरूरत ही आविष्कारक है, यानी कि अगर हमें जरूरत ना हो तो हम नई नई चीजों का आविष्कार नहीं करेंगे। तो याद नहीं कि जितनी हमें जरूरत होगी उतना ही अच्छा, एक तरह से आप समझ सकते हैं। एक आपने सुना होगा कि अगर किसी देश में जानने वालों की संख्या अधिक हो तो वो देश जल्दी तरक्की करता है, यानी कि विकसित देशों की श्रेणी में जा खड़ा होता है। एक अपने बच्चे को ही ले लीजिए, आप अपने आसपास के, एक वो बच्चा होता है कुछ नहीं जानने की कोशिश करता है, आपने एक वो उस बच्चे को देखा होगा जो हमेशा पूछता रहता है कि ये क्या है ये क्या है, उसका हमेशा आप देखेंगे कि दिमाग तेज रहेगा क्योंकि वो जानने को इच्छुक है। तो ऐसे बच्चे हमेशा आगे भी रहते हैं। गुटेनबर्ग और पेंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सोनारी, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया, जैतून प्रेस की पेंटिंग प्रेस का मॉडल या फिर या आदर्श बना, और सांची का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग में ने 1448 तक अपना यह इंद मुकब्बल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल, क्या थी, बाइबिल। तकरीबन 180 पितियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था, उस समय के हिसाब से क्या था, काफी तेज था। एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आप ही बताइए मुझे कि इसमें मैं इस कहानी में इस पैराग्राफ में मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अब ठीक है आपने पढ़ा है, आप भी याद रखेंगे कि पहली किताब इसने छापी थी बाइबिल, इसमें आपने तकरीबन 180 पिदियां बनाने में 3 साल का समय लगा था, ये तो आप लोग भी पढ़कर याद रख सकते हैं। इसलिए मैंने टेलीग्राम पर सभी किताबें डाल दी है कि आप मेरे भरोसे कम ही रहिए, आप खुद जाकर अगर आप जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है आपके पास, खत्म कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। मैं तो मेरा तो एक उद्देश्य मैंने कहा है आप लोगों से तो कवर भी करवाऊंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये पिक्चर्स आपको दिख रही है, युहान गुटेनबर्ग का चित्र है 1584 का, पूरा आपको ये कहानी का रूप दे दिया गया है, आपको मतलब एक बच्चे की तरह आपको समझाया गया है, बस आपको समझना है, आपको बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है। पर यह नई तकनीक हाथों से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियां जैसी दिखती थी, धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुसरण करते थे, हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर प्रिंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बैल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और प्रिंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान, यानी कि 1450 से 1550, यूरोप के ज्यादातर देशों में छापेखाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या फिर मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापेखाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें, यानी कि छपी हुई किताबें आई, यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। आप लोगों को इसमें याद यही रखना है कि जो आपको पॉइंट है, जैसे आप सोचिए कि क्रम से छपाई होती जा रही है, फिर नई तकनीक आ रही है, फिर नई तकनीक आ रही है, तो इसी तरह में आपको ढलता जाना है कि कौन सी तकनीक कब आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किताबों की मुद्रण यानी कि छपाई का एक इतिहास बताइए, इस पर आपको कुछ शब्द लिखना है, तो आप शुरू करेंगे वहां से जहां से मतलब शुरू होता है,
उसके बाद आप बताते जाएंगे कि इस सन में इस तरह से तकनीक में बदलाव आया, यूरोप में इस तरह से बदलाव आया, इस तरह से आया, तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपको याद रख सकते हैं। ए फ्रेम देख रहे हैं, स्क्रैच हैंडल प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस ओवर पेपर। एक आप लोगों ने देखा होगा शायद, मुझे लगता है कि एक सील लगाने की पैड सबने आपने देखा होगा, तो इसी तरह तो आप भी देते हैं कि उसे दबा देते हैं, उस पर रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि छप जाता है, तो एक तरह से उसी तरह का काम हो रहा है। गोटेनबर्ग पेंटिंग प्रेस स्क्रू से लगा लंबा हैंडल, देखें इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लांटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गोटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत जुगत लगाई, इन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप पेंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 साल तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हस्तछपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना नियायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस एक घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था। कितना? 250। आप देख रहे हैं एक समय में लगता था कि 180 पेज के लिए 3 साल टाइम लग गया, अब आप देख रहे हैं कि 250 पन्ने एक घंटे में छप रहे हैं। तो इस तरह के बदलाव होते रहे हैं। यहाँ कुछ आपने नए शब्द भी देखे होंगे, प्लाटेन। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काट का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। इसे भी आप देख रहे हैं, इस चित्र को भी। यूरोप की पहली छपी किताब गोटेनबर्ग की बाइबल से कुछ पन्ने लिए गए। गोटेनबर्ग में कुल 180 पिथियां छापी थी पर उनमें से 50 ही बच पाई है, यानी कि अभी 50 सेल है, बाकी की खत्म हो चुकी है। आइए गोटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। और ये केवल नई तकनीकी देन ही नहीं थी, इन्हें गोटेनबर्ग प्रेस की धातुई छपाई से छापा जरूर गया था पर इसकी हाथी पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी भी की थी। कोई दो पितियां एक जैसी नहीं थी, हर पित्ती का हर पन्ना अलग था। यहां जहां पहली नजर में भी एक जैसे लगे भी और गौर से तुलना करने पर फर्क भी पता चलता है। हर जगह पर कुलीन तबकों में इस विशिष्टता को पसंद किया गया, जो उनके पास था वह अनोखा था। वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उनके हूबहू नकल नहीं थी। आप इबादत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए और इसके दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही साथ सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गोटेनबर्ग ने इबारत या फिर पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी थी। ठीक है, इसे देख रहे होंगे आप, इसे भी आप देख रहे होंगे। एक मुद्रण की वर्कशॉप 16वीं सदी की बात है। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसे दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे थे। दाएं छोर पर अलग अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे थे। बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे थे और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही थी। और पृष्ठभूमि में प्रिंटर स्पेस के पेंच कस रहे और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो पेस्ट वाले छपे पन्ने हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। आप समझ रहे हैं, यहां पहुंच गए। यहां आपको कुछ नए शब्द भी देखने को मिले। कंपोजिटर, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। अब बात करते हैं मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव क्या रहा है। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नई तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उसका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया।
आप समझ सकते हैं कि पुस्तक आने से आप समझ उस समय के इतिहास के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। आज आपको किताबें मतलब सेफ भी रख सकते हैं, आप समझ रहे हैं। और आज आप लोग ऐसी ऐसी आपके पास पेन ड्राइव हो गई या कुछ भी आपको इस तरह की व्यवस्थाएं हो गई कि आज आप भी जो भी डेटा सेव करेंगे आने वाली कई सालों तक सेफ भी बने रहेगा। आप जीमेल पर डाल देते हैं, आप समझिए जीमेल जब तक रहेगा तब तक आपका डेटा सेव रहेगा। तो ये यही पुस्तक आपकी किताबों के साथ भी हुआ है कि किताबें लिखने लगे तो इससे कई तरह की आपको सहूलियत भी हुई है। नया पाठक वर्ग, छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी और किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह काम कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई और पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। एक बात आप भी जानते हैं मुझे लगता है कि जब भी कोई आप देखते होंगे कि मोबाइल भी पहले आया होगा तो वो बहुत महंगा हुआ करता होगा, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी बदलती गई तकनीक और कुछ ज्यादा ही बाजार में आते रहे तो आज आप देख रहे हैं कि सस्ता हो जाता है। एक समय मैंने भी देखा है कि जो हम लोग 1208 आता था नोकिया का, वो आप देखते थे कि 2800 रुपये के करीब आता था। और उस समय आप समझ सकते हैं कि 2800 रुपये बहुत हुआ करते थे। आज आप सोच रहे हैं कि 2800 में आपको एंड्रॉइड फोन मिल जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब किताबों की नई नई तकनीक छपने लगी तो आपने देखा है कि उनकी कीमत भी गिरने लगी। आप अगर लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो इसमें वक्त भी टाइम भी बहुत लगता है, श्रम भी यानी कि मेहनत भी बहुत लगती है। आज आप देखिए कोई भी पन्ना आपको प्रिंट करवाना है 1-2 सेकंड में आपका आ जाएगा सामने, 1-2 रुपये आपसे लेगा। और अगर उसी पन्ने को आप लिखना चाहें तो एक पूरा दिन लग सकता है, और आप सोचिए मेहनत भी बहुत लगेगी। तो इस तरह की भी व्यवस्था हुई हो, एक तरह से आपको फायदा हुआ। आज हम देखते हैं नोट्स हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि आप दूसरे से लिया और प्रिंट करवाया, काम चल गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पहले की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे, वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते थे या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या फिर खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई है। एक बात आप लोग भी जानते हैं, मान लीजिए कि हमें शिक्षक की जरूरत, हम लोग गरीब हैं, हम लोग निचले तबके से आते हैं, तो आप जानते थे उस समय भेदभाव व्याप्त था पूरी तरह से। तो अगर कोई हमें टीचर नहीं मिलता और हम सामने जाकर उसकी बातें नहीं सुन सकते थे तो मुझे लगता है कि उस समय हम लोग अनपढ़ रह जाते। लेकिन आज क्या देखेंगे कि चलिए हम लोग बिल्कुल नीचे कास्ट से यानी बिल्कुल जाति निचली जाति से, और फिर भी हमें अगर कोई शिक्षक व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है तो हमारे पास किताब है ना, हम उससे भी तो पढ़ के व्यवस्था कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आज गीता आप समझिए कि एक समय अगर कथा सुननी होती होगी, गीता के बारे में जानना होता, भागवत कथा के बारे में जानना होगा होता होगा, तो वही लोग सुन पाते थे जो जिन्हें अनुमति होती हुआ करती होगी कि आइए बैठिए आप सुनिए। लेकिन एक तबके इससे छूट भी जाता होगा, लेकिन अब किताबें छपने लगी तो हर वर्ग भी उसे पढ़ सकता है और जान भी सकता है उसके बारे में कि आखिर क्या है। उस समय आप जो सामने वाला बोल रहा है उसी पर भरोसा भी कर लिया करते होंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है, आप हकीकत से भी परिचित हो जाते हैं एक तरह से, समझ रहे। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था, किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की दर सीमित थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसी लाई है। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुप्त लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत तो और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धनी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब खानों में गाया सुनाया जाता था।
आप भी देखते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आता है, या हम भी जो भी बचपन में थे, तो हमें आपने देखा होगा एक छोटा आम से बड़ा आम, इस तरह की व्यवस्थाएं देखते थे आप लोग, अंगूर, एप्पल, इस तरह के आप देखते थे, कलम, दासे दबाद, फांसे फरसा, तो उसके चित्र भी दिए रहते थे, उनके क्या हुआ करते थे, चित्र भी दिए रहते थे। भले ही हम लोग अक्षरों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम लोग बड़े खुश हुआ करते थे बचपन में अगर इस तरह की व्यवस्था मिल गई हमें, तो यही हुआ करता था कि इसमें चित्र इस तरह की सजाने यानी कि आकर्षित करने वाले लगा दिए जाते थे कि हर जनता इसे जानने का उत्सुक हो। अब देखिए, महिला, ठीक है, महिला पुरुष है, शब्द अगर लिखा है तो हो सकता है कि आप नहीं पढ़े लिखे, आपको नहीं है भाषा मालूम, ना आपको लिपि मालूम नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि एक महिला या पुरुष की तस्वीर बना दी जाती है, तो आप, मुझे लगता है कि आराम से उसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आराम से आप जान भी सकते हैं। ठीक है, गाथा गीत की बात करें तो लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। शराब खाना, वह जगह जहां लोग शराब पीने खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे, वो शराब खाना कहलाता था। इस मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। अभय, आपका धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापेखाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहसे के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना भी सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों पर गंभीर महत्व भी पड़ता है। और एक बात वैसे ही भी याद रखिए, इस तरह की जो भी क्रांति होती है तो कई इसके विरोध में भी होते हैं। कहा जाता है ना कि जब हमारे कंप्यूटर मोबाइल आया तो देखा होगा आपने कि विपक्ष उस समय का इसका भी विरोध कर रहा था और संसद के सामने धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर भी थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रचार प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और आधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नवमुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार थी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर पड़ा। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, इनको आप लोग जानते भी होंगे, ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया। प्रोटोस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई और कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या फिर अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। फ्रेंड के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह सब ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें इसने धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद भी दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले आप सोचिए कि इस तरह की किताबें नहीं छपती होगी तो किसी धर्म गुरु ने जो भी बोल दिया, और अधिकतर धर्म गुरु यही बोलते थे, आप समझते हैं कि उनके पक्ष में रहे, यानी कि वो इस तरह के शब्द गढ़ते थे कि आप उनकी भक्ति में उनकी उन्हें मानते रहिए, समझ रहे। लेकिन ये पुस्तकें आने के बाद धर्म गुरुओं का भी महत्व घटने लगा होगा,
और हकीकत जनता के यानी कि सभी के सामने आने लगी होगी। अब आप पे नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं धर्म में ये कहा गया है तो आप उसी को मानकर बैठ जाए, अब आपके सामने हकीकत भी आ चुकी होगी। मार्टिन लूथर आपने देखा है कि जो भी उसमें मतलब आलोचनाएं थी, कुरूतियां थी यानी कि गलती थी चर्च की, उसे उन्होंने उजागर किया। और आप जानते हैं कि जब भी इस तरह की कोई धर्म में सुधार होता है या फिर धार्मिक आलोचनाएं होती है तो बड़े तादाद में लोग इनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इससे बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप पहले देखते थे कि महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं, पढ़ने लिखने की आजादी नहीं, कोई फैसला लेने की आजादी नहीं, तो मुझे लगता है कि उसमें एक गढ़ दी गई थी छवि कि महिलाएं केवल घर में रहने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए। लेकिन इस तरह की क्रांति आने के बाद महिलाएं तक पहुंच होने लगी किताबों की, वो भी समझने लगी है, समाज एक तरह से और जागरूक होने लगा है। ये पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, जेवी स्ले लेम्पी लेम्परी मेरी छापखाना 1739, यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में पेंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखें कि छापा खाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी की आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी, मरकरी यानी कि दूध देव, विवेक का प्रतीक है। तस्वीर के आगे हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्नि मुद्रकों की छवियां लिए औरतें, बीच में बाई और घेरे के अंदर गुटेनबर्ग की तस्वीर है। याद रखिए महिलाओं की हर जगह आप देखते हैं कि कई जगह महिलाओं की तस्वीर ली जाती है, फिर चाहे स्वतंत्रता के मामले में हो, हमारे भारत में ही देख लीजिए, भारत माता भारत पिता क्यों नहीं कह देते हैं? क्योंकि एक तरह से आप सोचिए महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करना, सभी समाज को स्वतंत्रता मिल जाना, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं को उस समय भी, प्राचीन भारत में भी देख लीजिए, मध्यकालीन भारत में भी देख लीजिए, आज भी आप देख सकते हैं कि एक मतलब हर जाति को बाहर घूमने की, हर जगह जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन महिलाओं पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। अगर महिलाएं स्वतंत्र हो गई, उन्हें आजादी मिल गई, तो ये मान लिया जाता है कि हर वर्ग को, हर समाज के हर वर्ग हर तबके को आजादी मिल गई है। अब बात करते हैं मुद्रण यानी कि मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनुकिया ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ निकालने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उसकी क्रोध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन धर्म दोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मैनुकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा भी दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों में से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची भी रखने लगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे 1958 से, सॉरी 1858 से आप ले सकते हैं 1947 के बीच की बात, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की जो पत्रिकाएं निकलती थी, किताबें निकलती थी, स्वतंत्रता सेनानी जो भी बात करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इससे क्या था कि कोई समाचार पत्र निकल रहा है उसमें हकीकत अगर बयां की जा रही है तो क्या होता था कि उसके विरोध में भी मतलब एक तरह से जनता को दबाने के लिए, सच्चाई ना पहुंचने के लिए उन्हें रोक दिया जाता था, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे, फ्रेंड खाने जो भी छापे खाने होते उन्हें बंद कर दिया जाता था। तो इसीलिए इस तरह की, आप सोचिए आज कई धर्म में बटे हुए हम लोग और देखते हैं एक धर्म का दूसरे धर्म से विरोध चलता रहता है। आज अगर हम लोग सच्चाई, अगर सभी समाज के पास इसकी जानकारी नहीं होती कि भागवत कथा में या रामायण में क्या लिखा गया है, बाइबल में क्या लिखा गया है, कुरान में क्या लिखा गया है, तो आप समझिए कि अभी और मतलब ये असमानता, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुरान में आप देखिए कि धर्म गुरु जो भी बोल देते वही मुस्लिम लोग मान लेते। अभी भी तो आप देख रहे हैं कि धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर कई तरह के कदम भी उठा लेते, समझ रहे हैं?
तो अगर इस तरह की व्यवस्था होती, केवल हम लोग धर्म गुरुओं के बारे में उन्हीं की बातों पर भरोसा करना पड़ता, तो मुझे लगता है कि आज अलग और अलग दुनिया बन जाती। तो कम से कम अभी जो मुस्लिम वर्ग पढ़ा लिखा है या कोई हिंदू भी पढ़ा लिखा है, वो अपनी भागवत कथा समझ तो सकता है, उसे पढ़ भी तो सकता है कि भगवान क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है, क्या अच्छी लिखी है। तो ये भी फायदा हुआ। यहाँ कुछ आपके नए शब्द भी है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन आंदोलन मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन ने कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धारणाएं निकली, तो इससे कई फायदे हुए आप लोग। इनक्विजिशन धर्म अदालत, विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। आप नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से कि आज चलिए कोई अगर किसी धर्म के विरुद्ध बोलता है तो ये वो धर्म क्या करे कि एक नई संस्था बना ले। उस संस्था का काम यही है कि जो भी इसके विरोध में बोलता है, यानी कि आप इसकी इसके विरोध में कुछ लिखता है तो उस पर कोई सजा देने का प्रावधान हो जाए, और वो संस्था भी इसी तरह की बात करने लगे। तो ऐसे ही आप लोग कह देते हैं इनक्विजिशन। धर्म विरोधी, इंसान या फिर विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या फिर धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात की ही अंत में। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, शायद बहुत वायरल भी हुआ था। कोई लड़का था, वही 12-13 साल का, वो किसी रामायण, अच्छे एक भले रामायण करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, उस उनसे पूछ रहा था कि धर्म क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस वो कर रहा था कि मतलब वो जो भागवत करने वाले भी थे, पंडित जी जैसे आप बोल सकते हैं, वो भी उनसे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद वो घुमा रहे थे उस बच्चे को। तो आप समझिए कि इससे बुरी स्थिति रहती होगी उस समय। उस समय उनने बोल दिया नहीं ये पानी नहीं ये दूध है, तो आपने क्या बोल दिया होगा कि दूध, हाँ दूध है, आप दूध सही बात बोले। अभी भी तो आप देखते हैं कि कोई भी धर्म गुरु बोल देता है कुछ भी तो हम लोग बोल देते हैं हाँ सही बात है। अभी इतने जागरूक होने के बाद भी हम लोग इस तरह की बातों में फंस जाते हैं। अभी भी आता है सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज आता है, हम उसे पढ़ते हैं और हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। हकीकत है या नहीं है वो अलग बात है, मतलब अभी भी हम लोग जागरूक नहीं है पूरी तरह से। तो उस समय की स्थिति आप भयानक और बुरी थी, समझ रहे। चलिए आगे चलते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, द मैकबर डांस, बीभत्स नाश। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था, यह देखा जा सकता है कि इस बेहद दिलचस्प बुड़कट तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया। मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में उनसे मनचाही चीजें छपवाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सोचिए कि किताबों के लिखने से, हाँ हो सकते हैं कि कोई किसी दूसरे समूह पर नकारात्मक पढ़ते हो, मतलब उस पर गलत पड़ता हो प्रभाव इसका, लेकिन अधिकतर मामले में आपको सही ही लगेगा कि बहुत फायदे हैं इससे। किताब का डर, लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरास्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की जो ज्यादतियों की आलोचना की, पर लूथर ने भी एक दूसरी दूरी बनाकर रखी। ट्रेंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजिज 1508 में लिखा है कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुंच जाती हैं। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही, बेकार ढेर, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ, जैसे कि मेरी लिखी चीजों से ही नहीं पाट रहे हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी,
षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनमें तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल ही नहीं रह जाता है। एक भी तो हो सकता है कि आप सोचिए कि हाँ चलिए मान लीजिए कि कोई इस तरह की किताबें निकालता है, लेकिन अभी आपके पास देखा है अपने सेंसर भी तो लगा सकते हैं, किताब को रोक भी सकते हैं, अभी तो आपके पास अभी भी तो इस तरह के अधिकार हैं। अंग्रेजों के समय थे, उनकी अलग विचारधारा थी, वो अलग तरह से सोचते थे, वो अलग तरह से शासन भी करते थे, लेकिन हमारी सरकार है उनके पास तो सेंसर की है। अगर इस तरह का कोई भड़काऊ लिखती है, किताब लिखता है या न्यूज़पेपर निकलता है तो उस पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अब हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किताबों की बिना अगर हम सोचे समय दुनिया को, तो मुझे लगता है कि संभव होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से अभी देखते हैं किताबों पर निर्भर हो चुके हैं। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, आप भी सोचिए कि आप किताबों के बिना क्या संभव है, मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि आपके पास चलिए किताब नहीं है, कागज नहीं है, आप क्या करेंगे। पढ़ने का जुनून, पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग समुदाय के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60-80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। आप भी जानते हैं कि जब सिविल सर्विस की तैयारी कुछ ज्यादा ही लोग करने लगे तो NCERT की छपाई भी बढ़ जाती है, और भी बाकी किताबें हैं, एम लक्ष्मीकांत आप लोगों की फेवरेट है, वो भी बढ़ जाएगी, उसकी भी छपने लगेगी। तो इस तरह की मांग बढ़ने लगती है। जब एक आपने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझा होगा कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। जब डिमांड ना हो यानी कि मांग ना हो तो उत्पादन करके क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ डालेगा। तो तभी उत्पादन किया जाता है जब उसकी चीज की मांग हो, ठीक है। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों का काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएं और लोक गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिबलियो ठीक वैल्यू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द से में बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के प्रारंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबारों पत्रों में युद्ध के व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। आज भी तो आप लोग देख रहे हैं कि आप अमेरिका में कुछ हो रहा है, अगर कहीं दुर्घटना हो रही है तो आपके पास न्यूज पेपरों में आ जाता है, या कोई दूसरी जगह किताब लिखी जाती है किसी को लेकर तो वो आपके पास आ जाती है। और एक बात और याद रखिए, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह की सुविधा ना होती किताबें लिखने की, तो क्या हम भगत सिंह के बारे में जान पाते, सुखदेव के बारे में जान पाते, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जान पाते, विवेकानंद के बारे में जान पाते, बाल गंगाधर तिलक, कोई भी इस तरह का स्वतंत्रता सेनानी है। आज हम लोग देखते हैं कि हम 1857 की रानी लक्ष्मीबाई को भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम कहते हैं कि सिंधिया ने उन्हें धोखा दिया था, इसे भी हम जानते हैं। अगर उस समय आप सोचिए कि इस तरह की लिखने की व्यवस्था ना होती, तो आज आप सोचिए कि जिस तरह से जो भी इतिहासकार, जो भी इस तरह का व्यक्ति होता, वो एक कहानी गढ़ देता। हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को गद्दार बना देते और सिंधिया को उठा देते, अगर इस तरह का प्रभाव रहता
आज की राजनीति बदल चुकी है। आप समझ सकते हैं कि अगर हकीकत बन जाए, इनके ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो ये हकीकत में ऐसा ही करेंगे कि गांधी को गद्दार बता देंगे और सिंधिया को वफादार बता देंगे। ये नेता हमारे इस समय के किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो चलिए, खैर है कि कम से कम इतिहासकार लिख गए तो हमें हकीकत मालूम है, तो हम हकीकत भी पहचान सकते हैं। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक पाठ बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। थॉमस पेन, बोल्टियर और जियो जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान तर्क और विवेकवाद कि उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। और याद रखिए, आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी आजादी में भी इस तरह की किताबों, समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका आप समझिए आजाद हुआ, उसके बाद हमारे मन में भी एक सवाल आने लगा कि हम क्यों आजाद नहीं हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय जापान चीन को हरा देता है, तो हमारे दिमाग में आने लगा कि हम क्यों नहीं हरा सकते हैं, अंग्रेजों को हम क्यों नहीं भगा सकते हैं। तो इस तरह का प्रभाव भी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। आज आज देख रहे हैं आप लोग कि अमेरिका में महिलाएं खुले में घूम रही हैं, खुल नौकरी कर रही हैं, इस तरह की व्यवस्था है। तो हमारे समाज पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा है कि हम भी आप देखते हैं कि घर से निकलने लगी है। एक अलग बात है कि कुछ नकारात्मक तत्व भी सामने आ जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक, वो मुझे लगता है किताबों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये तो मुझे लगता है कि जहां तक कि किताबें लिखी जा रही हैं, उस पर सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ तक कंट्रोल भी कर सकती है। समझ रहे हैं? अगर कुछ इस तरह के तथ्य हैं, कोई मतलब समाज पर बुरी तरह से ठेस पहुंचाने वाले या बुरा प्रभाव डालने वाले, उन पर सेंसर लगाइए। लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि इस तरह के काम कम ही करती हैं। मैंने शुरू में बताया था कि मूवियों ने सबसे ज्यादा, बॉलीवुड ने आपके यहाँ कुछ मूवियों ने, मैं कुछ मूवी तो ठीक है आपकी देशभक्ति पर लिखी गई या इतिहास पर, वो ठीक है, लेकिन जो संस्कृति को मतलब पूरी तरह से झकझोर दिया, उस पर सेंसर नहीं लगाए गए। आप भगवान के बारे में कुछ भी गलत लिख रहे हैं और समाज के बारे में कुछ भी, किसी भी तरह की बातें कर रहे हैं, आप उस मूवी को दे देते हैं। तो इस तरह का भी प्रभाव देखा गया है। यहाँ कुछ आपके शब्द दिए गए, इन्हें भी देख लेते हैं। संप्रदाय, किसी धर्म का एक उपसमूह होता है संप्रदाय। पंचांग, चांद सूरज की गति और ज्वार भाटा की समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना देता है वार्षिक प्रकाशन, ये पंचांग। चेक बुक, गुटका, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से काफी लोकप्रिय भी हुए हैं आपके। इस बॉक्स को भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेथाता वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपने सामने डायन या जोगिन भूत प्रेत की कहानियों सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रोमानी या फिर अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़ी की रातों को छोटी करने लगे हैं। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, और अगर डोली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वह द हिस्ट्री ऑफ जो जेब एंड्रूज लेकर ही वापस आए। इस तरह की बात की जा रही है कि आपने देखा है किताबों का समय आया है, यानी कि लिखने पढ़ने की व्यवस्था प्रिंटिंग होने लगी, तो आप जानते हैं मांग में वृद्धि हुई। और कोई भी अगर इस तरह के शहरों में जा रहा है तो उससे कह दिया जाता था कि कोई किताब खास ले आइए। और अब आपने सोचना होगा कि जो, चलिए मानते हैं कि माँ बाप पढ़े नहीं है, तो बच्चे पढ़े हैं, तो बच्चों से भी माँ बाप तक एक तरह से जागरूक होने लगे हैं। अब बात करते हैं दुनिया के जालिमों, अब हिलोरी तुम। 18वीं सदी के मध्य तक
यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेविस्तिये मार्सिये ने घोषणा की कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मार्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते और किताबों की दुनिया में जीते और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते और ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मार्सिये ने कहा है कि हे निरंकुशवादी शासको, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आवासी लेखक की कलम की जोर के आगे तुम हिल उठोगे। निरंकुशवाद का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई उस पर अंकुश लगाने वाला ना हो। पहले आप राजा देखते थे, महाराजा देखते थे, उनका क्या हुआ करता था कि वो अपने मतलब के लिए कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। आप एक तरह से चीन को इस मामले में ले सकते हैं कि वहां देखा जाता है कि अगर वहां के राष्ट्रपति जो चाहे कर सकते हैं। एक तरह से निरंकुशवाद है वो कि अगर उन्हें मतलब फायदा अपना दिखे कि जनता को मारने में, तो उस काम को भी वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसे ही कहा जाता है निरंकुशवाद। और सब मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शब्द मिल रहा हो आपको कि जो समझ में ना आए। अरे निरंकुशवाद, आप एक तरह से इसे शब्द को अगर अच्छे से पढ़ते भी है तो तभी आप समझ जाएंगे कि निरंकुशवाद एक तरह से इन पर किसी का अंकुश नहीं है, यह निरंकुश हो जाता है। मार्सिये ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताजा पानी मिलने पर गट गट पीने लगता है। बड़े इतिहास से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था और वाक और अर्थ के प्रभाव में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साए में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लो पीली पड़ने लगती थी पर मैं था कि पढ़ता जाता था। मैं बत्ती बताने की उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर से घूमते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। आप लोग भी तो अक्सर देखते हैं कि जब कोई आपके सामने चैप्टर इस तरह का आता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो, बड़ा मजेदार हो, तो आपकी आपको भी तो पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। हम लोगों ने भी देखा है कि जब कोई इस तरह का चैप्टर आता है तो लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है, फिर भी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कि मतलब क्या पढ़ा रहे थे, क्या बात कर रहे थे हम लोग। तो होता है, ठीक है, तो उस समय भी ये दिखाई दे रहा था। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः तीन तरह के तर्क देखने को लायक है। कौन कौन से? पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुछ कुल मिलाकर परंपरा अंधविश्वास निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्लभ कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवालिया तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। और याद रखिए, ये तीन चार तरह की जो जिसमें भी अगर इस तरह की कला है वो हमेशा आगे जाएगा। आलोचनात्मक, सवालिया, तार्किक। यानी कि आपसे किसी ने बोल दिया कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, आप एक छवि लेके बैठ जाएंगे कि हाँ ईमानदार है, चलिए मान लेता हूँ कि प्रधानमंत्री ईमानदार है, बाकी उसके जो निचले तबके के लोग हैं वो क्या ईमानदार है? इस पर भी तो सवाल खड़ा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री के अकेले ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि प्रधानमंत्री एक आदमी है
लेकिन उसके निचले तबके पर जो काम कर रहे हैं वो 1,000 लोग हैं, आप समझ सकते हैं। तो कम से कम हमारे दिमाग में सवाल तो होना चाहिए, लेकिन हम छवि एक लेकर बैठ जाते हैं कि हाँ सही बोला जा रहा है, ये ईमानदार है। तो इस तरह की छापे खाने होने से, यानी कि किताबें निकलने से, एक दिमाग में हमारे में सवाल उठना शुरू हो गए। दूसरा था आपका कि छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया, यानी कि सवाल जवाब की। सारे पुराने मूल्य संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुहासे हुए, उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यही नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया ने से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात भी हुआ। एक बात आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने बोला बलि, या किसी भी भैंसा हो गया या फिर बकरा हो गया, इसकी बलि चढ़ाने भगवान खुश होता है। तो एक बार उठा होगा उसने, कहा होगा वाद विवाद करते हुए, उसने सवाल भी खड़े किए होंगे कि जिसने भगवान, मुझे नहीं लगता है कि भगवान कहता होगा कि चलिए आप बलि चढ़ा दीजिए हम खुश हो जाएंगे, या अपने बेटे की बलि दे दीजिए। तो उसने भी एक तरह से, आप सोचिए कि सवाल उठाए इस तरह के, जो भी आपकी मान्यताएं थी। तो इससे एक भी हुआ कि बदलाव भी आया समाज में। तीसरा, अगर हम बात करें तो 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों में यह चित यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किल में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। चलिए उस समय की छोड़िए, खैर आपने लॉकडाउन तो देखा है, मुझे लगता है कि आप सब सोशल मीडिया पर जुड़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि मतलब भयानक बुरी तरह से कंडीशन देखी गई है एक तबके की, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जो एक तरह से आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है। किस तरह से मारा गया, किस तरह से चपेट में आया, इसकी सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों पर देखा गया है। कोई प्यास से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस समय अगर इस तरह की न्यूज़पेपर एक हुआ करते होते तो बताते कि चलिए देखिए कोई रामायण देख रहा है, कोई महाभारत देख रहा है, कोई चेस खेल रहा है, नेताओं की बात कर रहा हूँ, और जनता किस तरह से त्राही त्राही मान मान रही है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं, या फिर आप जो भी आप कह सकते हैं, कि इस तरह के हमारे समाज में कोई न्यूज़पेपर बचे ही नहीं है। उन्हें ये दिखाने का टाइम है कि हाँ चलिए वो उनके यहाँ बच्चे को जन्म हो रहा है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो ये कपड़े पहन रही है, वो इस तरह के कपड़ा पहनता है, वो इसके बारे में ये बोल रहा है, यानी कि बड़े बड़े घरानों पर उसका नजरिया रहती है। उसको कोरोना हो चुका है, उसको कोरोना नहीं हुआ है, उसकी पॉजिटिव निगेटिव आई हुई है, मतलब लाखों लोगों को हो रहा है, उनको नहीं दिखाया जाएगा, एक खास लोग को दिखाया जाएगा, जिससे उन्हें मिर्ची मसाला वाला कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाए। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य कह सकते हैं। एक समय आप भी जानते हैं कि आज का इतिहास लिखा जाएगा, उस समय मुझे लगता है कि सबसे बुरी स्थिति हमारे बारे में लिखी जाएगी, कि हम तमाशा देख रहे थे, को केवल कुछ बोलने की भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उस समय इस तरह की अगर व्यवस्था होती तो इनके बारे में भी आलोचना होती। तो उस समय के जो भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह के सेंक्शन भी लगाए जाते थे, प्रतिबंध भी लगाए जाते थे, जेलें भी होती थी अंग्रेजों के समय, फिर भी हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनने उन्हें लिखना बंद नहीं किया, वो सच्चाई लिखते थे, जेल जाने के बाद भी, छूटने के बाद भी लिखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ अगर हमें अपनी पीढ़ी को स्वतंत्रता देनी है तो कुछ तो हमें भुगतना पड़ेगा, समझ रहे हैं। एक दो लोग हैं जो बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन पर कई तरह की प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। यानी कि एक तरह से किसी ने कहा है, अन्ना हजारे ने कहा था कि एक बोलना, एक तरह से सच बोलना भी एक क्रांति है, समझ रहे हैं, समाज में। और आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, यही कह सकते हैं अगर आप सच बोलते हैं तो। आप भी तो देखते हैं हम लोग भी तो झूठ बोलते रहते हैं, नहीं सर आप सही हैं, अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसे भी हम लोग सही ठहरा देते हैं। ये आपका निरंकुश वाद देख लीजिए, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और उस पर ना कानूनी पाबंदी हो लगी होती है, ना ही संविधान है।
यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरी शक्ति उसी में समाहित है, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं है कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की है, लेकिन याद रहे कि लोग बात हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ भी अगर रूसो और बोल्टियर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य की प्रोपगेंडा या प्रचार भी है। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे, वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीजों की अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं भी जरूर खोली। याद रखिए, मुझे लगता है कि अगर आप जागरूक हैं हमारा समाज तो काफी हद तक फायदा है, अगर जागरूक नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं एक तरह से भक्ति करते रहिए। और अंधभक्ति का कहने का मेरा यहाँ ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता कि आप किसी पार्टी की भक्ति करें, किसी के प्रति भी आपकी भक्ति है उसे अंधभक्ति बोल सकते हैं। हम जब अंधभक्ति करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी सारी अच्छाइयां दिखाई देती हैं, बुराइयां एक तरह से आप देखेंगे पूरी खत्म हो जाएंगी। हमारे दिमाग में ये सवाल कभी आएगा ही नहीं कि ये इसमें बुराई है, ये गलत हो सकता है, ऐसा कभी सवाल आप देखने को नहीं मिलेगा। हमें यही लगेगा हाँ ये बढ़िया है, वे बढ़िया है। तो एक तरह से अंधभक्ति भी एक बीमारी है और समाज पर एक बुरा प्रभाव डालती है। आप न्यूट्रल होकर रहिए, अगर किसी में अच्छाई है तो उसकी अच्छाई की बढ़वाई कर सकते हैं, बुराई है तो बुराई को भी ध्यान में रखना होगा। समझ रहे हैं? इसे देख रहे हैं, चित्त को देख लीजिए। चित्त फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून है। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण किसान कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने वाले कुलीन वर्ग उसका दोहन करता था। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खासा असर हुआ। मैंने बताया ना कि कोरोना की अगर हकीकत जनता तक पहुंच जाती तो जनता एक तरह से सोचिए कि अभी तक निकल पड़ती नेताओं को पीटने के चक्कर में। वो कहते कि साले तुम बैठ के रामायण टीवी देख रहे हो और हम यहाँ मर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी होता अगर इस समय तो वो कभी अपने इस तरह की रामायणों में नहीं बीता होता, क्योंकि जनता की सेवा के लिए आपको चुना है, आप अपनी जान भी दे दीजिए लेकिन जनता को कुछ नहीं होना चाहिए, वो होता है नेता। और तुम्हें क्या लगता है कि रामायण देख लेने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? कभी नहीं। देख लेना, अगर हकीकत में इस तरह के कुछ होती है, सजा होती है, नरक सरक होता है, तो आप सोचिए आपको दुगनी सजा मिलेगी, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं बोला है कि तुम जनता को छोड़ दीजिए और मेरी भक्ति करिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी आप हो सकता है आपके पास पैसा है तो आप शायद भूल जाए, लेकिन आने वाले वक्त में सभी फैसला होगा। देखिए इतिहास जरूर कुछ ना कुछ तो लिखेगा हमारे बारे में। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 19वीं सदी में चलते हैं। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग भी तैयार हुआ। सीधा सा कहने का मतलब है कि यूरोप में साक्षरता दर अच्छी हो गई और इसमें महिलाएं भी जुड़ी और बच्चे भी पढ़े लिखे हुए। वैसे आप लोगों ने एक सुना होगा कि अगर एक पुरुष को अगर आप लोग साक्षर करते हैं तो वो अकेला साक्षर होता है, लेकिन एक महिला को अगर साक्षर करते हैं तो वो पूरा परिवार को साक्षर बनाती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पुरुष है, वो पढ़ा लिखा है तो वो केवल अपने तक मतलब रखेगा, सीमित, लेकिन एक महिला जब पढ़ी लिखी आती है तो आप देखते हैं उसके जो भी बच्चे आते हैं उसके बाद आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर उन्हें समझाती हो जाती रहती है। तो इस तरह से कह देते हैं कि पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। बात करते हैं बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस या मुद्रालय स्थापित किया गया, यानी कि कह सकते हैं आप लोग की इतनी मांग हो गई कि अलग से एक बाल पुस्तकें छापने के लिए एक अलग से प्रेस खोल दिया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया।
जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की और उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन भी किया। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीजें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी उन्हें विकासित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से भी दर्ज तो हुई पर इन प्रक्रिया में बदल गई। याद रखिए, आप भी जानते हैं कि जो किसी खास वर्ग के लिए अगर इस तरह की जरूरत होती तो छपती है अलग से, और इसमें बच्चों के लिए आप समझते हैं कि बच्चों के लिए अश्लील इस तरह की अगर कोई है तो उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाता। अभी भी आप देखते होंगे जो बाल मूवियां आती हैं उसमें आप देखेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशल रहती हैं, उसमें इस तरह के, आज आप लोग जो मिर्च मसाला देखते हैं बाकी मूवियों में, जिसने संस्कृति को सबसे ज्यादा ठोस मतलब हानि पहुंचाई है, ठेस पहुंचाया है, उस तरह की बाल मूवियों में आपको कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। और अब तो आप ये सोचिए कि इतिहास पर भी अगर कोई मूवी बन रही है तो उसमें भी एक मतलब सॉन्ग डाल देंगे इस तरह का, और एक सेक्सी मतलब इस तरह से आप सोचिए कि पूरी मिर्च मसाला डाल के उसे भी चमका देंगे। और गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी आपकी है, क्योंकि हम लोग मिर्च मसाला देखना ज्यादा कुछ पसंद करते हैं, तो इसी हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। और आप इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि कई बार ये आंदोलन भी खड़े होते हैं। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका से ज्यादा अहम हो गई। पैनी मैगजीन या फिर एक पेशिया पत्रिकाएं खासतौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी, जिन ऑस्टिन, ब्रोंट बहने, जॉर्ज एलियट आदि। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था और जिसकी गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति भी थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पढ़ लिखने के बाद आप देखते हैं कि लेखिकाएं महिला भी उभरने लगी, जिनका आप अगर आंसर आता है कहीं आपको आंसर राइटिंग करनी है तो इनका नाम डाल सकते हैं, जेन ऑस्टिन हो गया, ब्रोंट बहने हो गई, जॉल एलियट हो गई। ठीक है, यहाँ आपको कुछ दिख रहे होंगे चित्र, देख लीजिए एक बार चित्र अच्छे से, दिख रहा है। पैनी या एक पेशिया मैगजीन का अमुख है। पैनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 की विश्व सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया, या मूलतः मजदूरों वर्ग के लिए थी। एक तरह से आप तो कह सकते हैं कि आज आप भी तो देख रहे हैं कि हर किसी हर वर्ग के समाज के हर तबके को याद ध्यान में रखते हुए हर तरह की उत्पादन किया जाता है, फिर चाहे पुस्तकों का ले लीजिए आप लोग, कपड़ों का ले लीजिए, कपड़ों का भी तो आप देखते हैं कि एक अमीर वर्ग के लिए एक खास अलग अंदाज रहता है और गरीबों को भी देख के मनाया जाता है। तो इस तरह की उस समय भी देखने को महिलाओं को बच्चे हो गए, फिर मजदूर हो गए या बड़े घराने हो गए, सबको ध्यान में रखते हुए किताबें छापी जाने लगी। 17वीं सदी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए और 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कूलर मजदूरों, दस्तकारों, निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं भी लिखी। सीधा सा आप समझ रहे हैं कि जिसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है वो किराए से भी ले सकता है। आपने भी तो अपनी जिंदगी में देखा होगा गाड़ी फोर व्हीलर की छोड़ी एक समय साइकिल भी किराए पर दी जाती थी, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं यॉर्कशायर की। एक मैकेनिक थॉमस बोर्ड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीद कर शाम के वक्त आगे आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जहोजद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की को कि मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियां भी हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अभी भी तो आप सुनते रहते हैं कई बार कि उस बच्चे ने ऐसा किया, पुरानी किताबें पुराने न्यूज़पेपर पढ़ के सिविल सर्विस दिया, निकल गया, इस तरह की कहानी आज भी आप लोग सुनते हैं। तो ये भी उस समय मुश्किल हुआ करता था कि जिसके पास नई किताबें रहती थी नई खरीदने के लिए तो वो पुरानी खरीद कर पढ़ता रहता था। अब बात करते हैं नई तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम्बो
ने शक्तिशाली बेलनाकार प्रेस को कारगर बना दिया था। इससे प्रति घंटे 8000 सीट या फिर ताव छप सकते थे। कितने? 8000। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, अधिक तकनीक विकसित होती जाएगी, टेक्नोलॉजी आती जाती है। ये अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीजें हुई। कागज डालने की विधि में सुधार हुआ और प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुछ सुधार की बदौलत छपे हुए पन्नों का रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और विकासकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित भी हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जल्द के आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवीरत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से विकासकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग और आजल संस्करण छापे गए। अब आप ही सोचिए, इस पैराग्राफ में आपको ऐसा कोई शब्द दिखा है कि जो समझ में ना आ रहा हो आपको? देखिए, समय के साथ हर कुछ बदलता रहता है, समझ रहे हैं? अब 1930 के करीब आप देखते हैं कि महामंदी आती है, तो उस समय आप वो पहले से ही सोच लेते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो लेखक जो पाठक होंगे वो इतना पैसा नहीं होगा कि जो महंगी किताबें खरीद सकते हैं। तो उन्होंने एक मतलब सस्ती एक तरह से किताबें निकालना शुरू किया, पेपर निकालना शुरू किया। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कॉनकानन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवार, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। आज भी तो आप लोग देखते रहते हैं इस तरह के प्रचार प्रसार के लिए। अब बात करते हैं, सीधी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहां से भारत का मुद्रण संस्थान। वैसे शुरू तो आप लोग समझिए कि जहां से होता है वहां से ठीक है, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा ही फोकस आपको देखना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और मेंस में भी आपका कई बार बन जाते हैं। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई। मुद्रण युग के पहले यहां सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों की बात करें तो, यानी कि छपने छपाई के पहले की बात करूं अगर, भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा रही है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या फिर हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। जो ताड़ के पत्ते होते थे उस पर भी इस तरह की लेखन कला होती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियां की जिल्द में या फिर सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रही। आप ये नहीं कह सकते हैं कि छपाई के बाद भी इन्हें खत्म कर दिया गया है, क्योंकि एक देखेंगे आप लोग की एक खास वर्ग तक इसकी पहुंच नहीं थी, तो आप देख सकते हैं वहां वो लोग इसी तरह से अपनी पांडुलिपियां छापते रहे। ये आपको दिख रहा होगा जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने 18वीं सदी के, एक एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है आपका, दिख रहा है? ठीक है, तो इतिहास में जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह की भी होते थे काम। आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग संभव कर सकते हैं कि इस तरह की संभव हो सकता है। ये आप देखते हैं हाफिज के दीवार के कुछ पन्ने 1824 की बात है, दिख रहा है? 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवार में संकलित है। पेज पर खुशन बीसी नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियां अमीरों के लिए बनाई जाती थी, देख रहा है आपको बेहतर तरीके से। आगे बात करते हैं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरी लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व उपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई
किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर रहते थे ये लोग। पांडुलिपियों के बारे में अगर बात करूं तो इन्हें सहेज के रख पाना लंबे समय तक मुश्किल होता था, समझ रहे, नष्ट होने का भी डर रहता था और इस पर मेहनत भी ज्यादा कुछ लगती थी। ऋग्वेद के कुछ पन्ने आपको दिखाई दे रहे हैं। ऋग्वेद फ्रेंड के आगमन के काफी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियां प्रकाशित की जा रही हैं। क्या है पांडुलिपि? मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई है आपकी। ऋग्वेद तो बहुत पहले आ चुका था लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी, या आपकी 18वीं सदी में बनाई गई है पांडुलिपि, ठीक है। छपाई भारत आई, यानी कि अब देखेंगे प्रेस पेंटिंग इस तरह की व्यवस्था भारत में आई, उसे भी देख लेता हूं। फ्रेंटिंग पे प्रेस पहली पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें भी छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद भी थी। एक बात और आपको बताऊं, आप कहते हैं कि आपने कभी भी, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और NCERT पढ़ी है और आप सोच एक समझ रखते हैं, तो आप ये हकीकत मानेंगे कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ मिला भी है। आप समझ रहे हैं कि मतलब विदेशियों के हमारे देश में आने से, आक्रमण करने से बहुत कुछ मिला भी है, हमें गया भी तो है मिला भी तो है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये कोई भी सिक्का है तो उसके दो पहलू होते हैं। आज भी आप देखते हैं कोई आंसर आप लिख रहे हैं तो आपसे कह दिया जाता है कि इसके दो पहलू है, पहले आप पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, नेगेटिव पॉइंट लिख दिए, फिर उसमें देखेंगे आप लोग एक अपने तरफ से राय लिखेंगे, तब जाके आपका आंसर प्रभावकारी रहता है। तो आप समझिए कोई भी आंसर लिख रहे हो उसमें आपने देखा है कि आप नकारात्मक तत्व भी लिख रहे हैं, सकारात्मक तत्व भी लिख रहे हैं, तभी आंसर पूरा होता है। तो इसी तरह के उस समय भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेज या फिर बाहरी दुनिया जो भी रहे, उनके आने से कुछ मिला भी है और कुछ हमारे यहाँ से गया हुआ है। बुद्ध धर्म के बारे में मैंने बताया था कि आप सोचिए उन्हीं के आने, हमारे यहाँ से अगर बाहर ना जाते लोग तो बाहरी के देशों में नहीं फैल सकता था ये, और वो लोग हमारे यहाँ ना आते तो हमारे में भी संस्कृति कुछ भी बदलाव ना आते। अंग्रेजी भाषी प्रेस भाषी भारत में काफी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, बंगाल गजट, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली खुली एक व्यवसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले उपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यमी थे और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था जिसमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गपबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वॉरिंग हेस्टन ने हिक्की पर मुकदमा भी कर दिया था। ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के विकासन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होने वाले हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगी, कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगी। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। याद रखिए एक बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, और एक बंगाल गजट निकाला था गंगाधर भट्टाचार्य ने, ठीक है। इसे याद रखिए, प्रीलिम्स में बन जाता है, कभी वन डे एग्जाम में भी कई बार बन जाता है। यहाँ सीधा सा मतलब है कहने का कि आपने देखा होगा कि व्यापार में देख लीजिए या फिर किसी भी मामले में देख लीजिए, अगर आप अंग्रेजों की बड़वाई करते रहते, यानी कि अंग्रेजों की सहायता करते रहते, उन्होंने जैसा कहा वैसे मानते रहते, तो उस समय आप देखेंगे कि आपके जो भी पत्र निकल रहे हों, जो भी समाचार पत्र, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको मदद दी जाती थी। लेकिन उनके बारे में अगर आप गलत लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आप पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए जाएंगे, आपकी जो भी प्रेस पेंटिंग होगी उसे जब्त कर लिया जाएगा। आज भी तो आप देखते हैं, हमारे अगर किसी नेता खास जिसकी सत्ता में है
उसके बारे में अगर कोई न्यूज पेपर लिख दे तो आप देखते हैं कि दूसरे दिन उसे या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या उस पर कई तरह की रिपोर्ट इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये हमेशा से दिखता है, आजकल कोई नई बात नहीं हो रही है। विलियम बोर्ड्स नामक व्यक्ति को 1768 ईस्वी में इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मी बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए एक तरीके का सहारा ले रहे हैं कि चूंकि शहर में छापेखाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साह वर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। पर जल्द ही बोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और वह वादा हवा में लटका रहा। आज जिस तरह से आप अपने नेताओं का वादा देखते हैं ना, इसी तरह से वो भी संसद में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद, या विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो वादा का वादा रह जाता है। आगे बात करते हैं धार्मिक सुधार और सार्वजनिक पैसे। जैसा कि आप जानते होंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत से धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म हुआ। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में छपे छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता है, अपने मत जाहिर कर सकता है और इस तरह के मतांतरों से नए विचार भी उभरे। अभी आपने केरल में देखा होगा, सबरीमाला का मामला देखा था, उसमें देखा कि आपने कोर्ट ने उसमें महिलाओं को जाने की अनुमति दी, लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि वहां के जो पुजारी थे या पुरुष वर्ग थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो ये भी उस समय भी हो रहा था कि जो भी धार्मिक सुधार हो रहे थे तो उन्हें मतलब रीति रिवाज जो भी आलोचना हो रही थी तो उनके खिलाफ जो मतलब उनके पक्ष में रहती थी वो इसके खिलाफ थे कि इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे? अब जो बलि, आप सोचिए पुजारी वर्ग होगा वो कभी इसके पक्ष में नहीं जाएगा कि बलि बकरी इस तरह के रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का रोक लग गया तो उनके जो भी सम्मान था वो घट जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, यानी कि किसी का पति मरने के बाद उसे जला दिया जाता था, एकेश्वरवाद, ब्राह्मणी पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाएं और अखबार के जरिए तरह तरह की तरह तरक समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राममोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित की और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंडिका का सहारा लिया। दो फारसी अखबार जाम ए जहां नामा और शमसूल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। इसमें आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी वर्ग था, पुजारी वर्ग हो गया, जो मूर्ति पूजा को ज्यादा कुछ महत्व देखा था, आज भी तो आप देखते रहते हैं कि आज भी सोचिए इतना पढ़े लिखे होने के बाद, 21वीं सदी के में पहुंचने के बाद आज भी धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग थी, समझ रहे हैं? तो वो लोग विरोध करते रहते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई किताब लिखते हैं, कोई भाषा ऐसी चुनते हैं तो एक कॉमन भाषा होनी चाहिए, यानी कि वहां रहने वाले लोगों के समझ में आनी चाहिए। इसलिए आप लिए आप देखते हैं कि उत्तर भारत में आप देखेंगे हिंदी में छापी जाती है, तमिल में, यानी कि आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो वहां तमिल भाषा इस तरह की कॉमन भाषा चुन ली जाएगी जो उस क्षेत्र में सबके समझ में आए, यानी कि लोकल जो भी निचले तबके का व्यक्ति रह रहा है उसकी भी समझ में आए। तो इसका भी सहारा लिया गया, यानी कि एक आम बोल चाल भाषा का। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समाचार पत्रिका, क्योंकि राजा राममोहन राय जो थे इस तरह की व्यवस्थाओं के बड़े खिलाफ थे, तो उन्होंने भी एक संवाद कौमुदी प्रकाशित किया था और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंडिका का सहारा लिया था। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं उपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या फिर मुस्लिम कानून ना बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार या फिर गुटके निकाले।
सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। तो इसे आप लोग देख सकते हैं, उस समय की स्थिति से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी आज भी आप लोग समाज में देखते हैं, तीन तलाक का मुद्दा हो, इसे भी खत्म किया गया, तो आपने देखा है कितनी आवाज उठी। तो उस समय तो आप समझ सकते हैं कि और ज्यादा आवाजें उठती होगी, क्योंकि नया नया बदलाव था और उस समय पढ़े लिखे भी, मतलब साक्षरता भी कम थी। तो पंडित जी ने जैसा या फिर धर्म गुरु ने जैसा भी बोल दिया, उसी बात को मान लेते होंगे लोग और उसी की, एक तरह से कह सकते हैं, उसी की विचारधारा में चल देते होंगे। तो ये भी देखने को मिले कई बार। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषा में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल भी मिला है। तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का बाजार फट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक बार भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें भी छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण अस्थावान इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था, यानी कि एक दूसरे को समझाने में। उलमा की बात करें तो इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान जो एक तरह से गुरु होते हैं, उन्हें उलमा बोल देते हैं। फतवा, अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। आप भी तो सुनते रहते हैं कि फतवा जारी कर दिया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। तो यही था, मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तक बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच उनके अंदर बहस मुहावसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। और लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदाय के अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया है। क्या किया है? पूरे भारत को एक करने का काम भी किया है। कई हद तक कहते हैं कि इंग्लिश जो भाषा है, इसने हमारी बात को राष्ट्रभाषा, मतलब एक तरह से राष्ट्र को जोड़ने का भी काम किया है। क्योंकि आपने देखा है कि जब उत्तर भारत में हिंदी बोली जा रही है और आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो तमिल बोली जा रही है, तमिलनाडु को ले लीजिए, चलिए आप उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा बोली जा रही है और आप जाएंगे तमिलनाडु में तो तमिल भाषा बोली जा रही है। अब आप सोचिए कि यहाँ का व्यक्ति वहां जाकर कुछ समझ सकता है? नहीं ना। वहां का व्यक्ति अगर इस समय इस तरफ आता है तो नहीं समझ सकता, एक दूसरे के विचार मतलब नहीं बदल सकते हैं। तो जो इंग्लिश होती थी, ये अपने भी किसी भी राज्य में आप देख सकते हैं, अधिकतर लोगों को समझ में आ जाती है, पढ़े लिखे वर्ग को तो समझते हैं कि तमिल के लोग जब आए, इंग्लिश इस तरफ भी बोली जाने लगी, उस तरफ भी बोली जाने लगी, तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। तो इससे भी राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिली। रेलवे को भी कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह लोग गए, तब भी राष्ट्रवाद को काफी ऊंचाइयां मिली। तो इसे इसने क्या किया है? भारत को जोड़ने का भी काम किया। जो भी किताबें छपी, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, हर वर्ग में जाने लगी। या कुछ आपको अखबार क्यों? पूना के कृष्णा जी त्यंबक रनाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खास तौर पर जानकारियां होंगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण की इच्छुक है। बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर 6 जनवरी 1849 की बात है। देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अक्षम हिस्सों को निकाले और सुधार करे और इनकी तेजी से लागू करने का काम भी करे। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव और वांछित सुधार है वह बताए, और इन कार्यों का काफी असर होगा। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 की बात है।
एक बात और आप लोग जानते हैं कि जो भी अखबार होते हैं, इस तरह की सोशल मीडिया एक तरह से आप कह सकते हैं, या मीडिया, इसे लोकतंत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ आप बोलिए, उसके बारे में लिखिए, लेकिन अधिकतर बार आप भी देखते हैं कि इस तरह की बातें हम दो ही रही हैं कहने के लिए। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन अपना धर्म भूल चुका है। अगर जो भी सरकार आती है उसी के पक्ष में अधिकतर न्यूज चैनल चले जाते हैं, और उसी की, मतलब आप सोचिए कि उसी की बड़ा चढ़ा के बात करने लगते हैं। फिर बात है प्रकाशन के नए रूप, प्रकाशन के नए रूप। छापेखाने से नई तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बों और अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवती होती गई। यूरोप में विकसित तो उपन्यास नामक यह साहित्यिक विदाई जरूरत को पूरा करने में सक्षम थी। जल्दी इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर दी, और अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध भी प्रदान किया। दूसरी तरह की साहित्यिक विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गए। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने सनसनी जिंदगी, इंसानी जिंदगी और अतरंग भावनाएं और उन सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया जिनसे इसका स्वरूप तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा रही थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। राजा रवि वर्मा के बारे में आप सुनते रहते हैं, एक महान चित्रकार थे, ये भारत के ही थे। काट के तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापखाने के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजार में सुलभ सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीद कर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और परंपरा, धर्म और राजनीति तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार लोक को गढ़ना शुरू किया। इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, देख रही, ये राजा ऋतु ध्वज द्वारा असुरों के चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाया जाना राजा रवि वर्मा का चित्र है। राजा रवि वर्मा ने मैथ की कहानियों को लेकर अनगिनत चित्र भी बनाए जो उनके अपने रवि वर्मा प्रेस में छपती थी, यानी कि अपना ही उनका प्रेस था। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग्य चित्रों ने राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। एक तरह से एक दूसरे पर इस तरह की कटाक्ष करने की परंपरा शुरू होती रही। अब बात करते हैं महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी, इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर में पढ़ाने लगे, और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित भी किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जरूरत के मुताबिक पाठ सामग्री भी थी जिसका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। याद रखिए, जब कभी आप समझिए कि आज कानून बन रहे हैं आपकी संसद या फिर किसी भी क्षेत्र में, देखती हूँ विधानसभा हो या आपकी राज्य की हो या फिर केंद्र की हो, अगर आप सोचिए कि महिलाएं वहां शामिल नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि एक खासा उस कानून का प्रभाव नहीं रहेगा और खासे मुद्दे भी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे। क्योंकि मेरी क्या समस्या है मैं जानता हूँ, आपकी क्या समस्या है आप जानते हैं, तो अगर महिलाओं को शामिल किया जाता है तो मुझे लगता है कि प्रभावकारी कानून बनता है और उसमें, मतलब, आप एक तरह से सुधार भी देख सकते हैं। तो इसमें भी यही हुआ कि कुछ समय के बाद आपने देखा है महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिलने लगे, तो वो भी कुछ लेखिकाएं बनने लगी, पत्रिका छापने लगी, और वो जब उसमें पहुंच गई तो अपने नारी शिक्षा को
एक तरह से बढ़ाने के लिए कई तरह के रेखांकित भी करने लगे, यानी कि लिखने लगे पत्र। लेकिन सारे परिवार उदार दिल नहीं थे, यानी कि ये बात सीधी बात है कि उस समय सभी परिवारों की महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, और इसी तरह दकियानूसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रोमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया। आप समझ सकते हैं कि ये किसने गढ़ा होगा कि एक पढ़ी लिखी अगर कोई औरत है तो वो विधवा हो जाएगी। मतलब ये धर्म गुरुओं ने इस तरह से इसे व्यवस्थित किया था कि मतलब आप सोचिए, समाज पूरी तरह से बट जाता था और महिलाओं को अधिकारों की मांग नहीं होती थी। आप खासा समझ सकते हैं। हमें उत्तर भारत के दकियानूसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से ना सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी है। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसने उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़ीवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा भी लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई, और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। इस नाम को याद रखिए, रस सुंदरी देवी, और इसकी इनकी कृति को भी याद रखिए, अमार जीवन इनकी नामक कथा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर महिलाएं कुछ भी करने के लिए ठान लेती तो आराम से कर सकती हैं। आज सभी तरह की सुविधाएं, फिर भी आप देख रहे हैं कि नहीं पढ़ा जा रहा है। समझ रहे हैं, आजकल कोई नहीं रोकता है। मुझे लगता है कि हर परिवार में लगभग बोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा है। उस समय देखिए कि छुप छुप के पढ़ रहे हैं, फिर भी इतनी मतलब तरक्की नाम इतिहास में लिख जाता है। चूंकि सामाजिक सुधारों उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आप बीती कि प्रतिकूल कोतूहल तो था ही। इसे आप देख रहे होंगे, इंडियन सारी परिवार का आवरण पृष्ठ। इंडियन सारी परिवार 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाले बैंग और बिंदू कैरी के चंद विधायक के कई पत्रों से एक था। गौर करें तो साम्राज्यवादी अंग्रेज की छवि ठीक बीचों बीच है, और सत्ता और विभुता की प्रतिमूर्ति बना वह देशी लोगों को वे क्या करें क्या नहीं करें इसकी हिदायत दे रहा है। उनकी उनके दोनों ओर बैठे देशी जन गुलामों की नत मुद्रा में है। भारतीयों को व्यंग्य चित्रों में के अंग्रेजों पर दापंच दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रिटिश मालिक कह रहा है कि यही सही मॉडल है, जाओ जाकर इसके भारतीय संस्करण निकालो। दिख रहा है आपको, एक तरह से आज भी आप देखते हैं कि इस तरह का कोई बीच में नेता बैठा होता है, आसपास की बात सुनते रहते हैं लोग, और ये लोग वही सही सही भी मान बैठते हैं कि ये सही बोल रहा है। तो उस समय भी आप देख सकते हैं, मतलब आप सोचिए कि उस समय को इस समय से जोड़ के बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। और मैंने आपसे बोला है कि समझने के लिए आप किसी को भी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज का ही उदाहरण या उसी समय का उदाहरण ले सकते हैं। आज मुझे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे भले, लेकिन समझ हमारी और कम होती चली गई है। आज कोई भी कुछ भी कहता है हम उसकी बात मान लेते हैं, और आप सोचिए कि ये सबसे दुर्भाग्य हमारा या शर्म की बात है आप कह सकते हैं कि मतलब आधे से अधिक लोग आप सांसद या विधायकों में देख रहे हैं कि दागी मिलेंगे आपको, दुष्कर्मी मिलेंगे जिन्होंने बलात्कार किए हुए, चोरी डकैती मर्डर किए हुए, उन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं संसद में। अब आप सोचिए कि हम अगर उन्हें अपने लिए कानून बनाने की बात कहेंगे तो वो तो देश को लूटेंगे, जो लुटे रहे हैं वो तो लूटेंगे। तो ये देखी जा रही है। खैर छोड़िए, आगे आपका कैलाश बासनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया कि कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं, जिनकी सेवा वे करती हैं वहीं उनके उन्हें कैसे कुतकारती हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहां 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उन्हें जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा, और सामाजिक बंधनों में बंधी और औरत के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं। इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा है कि बहु तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आदि से ज्यादा खुशियां किताबें पढ़ने से आई हैं। याद रखिए, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, इस तरह की अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो इन नामों को आप लोग आराम से डाल सकते हैं, और इस नामों को डालने से क्या रहेगा, आपका जो भी आंसर रहेगा वो प्रभावकारी भी रहेगा। तो इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आपका पॉइंट दिया गया है, इन्हें भी देख लेते हैं। जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा भी की। नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं, और इस्लाम द्वारा औरतों को बराबरी की तालीम का देने के बुनियादी रसूल के खिलाफ जाते हैं। अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्या बिगड़ जाएंगी। भला एक बात और याद रखिए, उस समय आप सोचिए और आज हम लोग अगर भटक रहे हैं इस भावनाओं में, हम लोग आज भी इस तरह की रूढ़िवादियों की बात कर रहे हैं, इस तरह के विचार अपना रहे हैं, तो उस समय आप समझ सकते हैं कि किसी ने हमसे बोल दिया कि ये गलत है तो हम तो तभी गलत मान लेते होंगे, या किसी हमारे पंडित जी या किसी गुरु ने बोल दिया कि ये नहीं ये गलत है तो हम उसी को बैठकर मतलब उसी को सच मानकर बैठ जाते होंगे। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ और 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों की तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छापा गया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा टेक्स्ट सोसाइटी, खालसा पुस्तक सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं छापी। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में भी पेश किया गया। याद रखिए, जो भी महिलाएं लेखिकाएं थी, इनको आप लोग जब भी आपसे अगर पूछे कि मुद्रण में या किताबों के लिखने में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, या आंदोलन में आप कहिए स्वतंत्रता में कितनी भागीदारी रही है, तो आप यहाँ से उठाकर आप लोग शामिल कर सकते हैं तत्वों को कि महिलाएं यहाँ से जागरूक होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा चित्र, घोर कली पिलाय काल 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ट चित्र है। पारिवारिक संबंध के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना है। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है कि पति के सिर पर सवार है, वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है, देखा जा रहा है आपको। बंगाल में केंद्रीय कलकत्ता एक दूस पूरा इलाका बटाला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया, जहां पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था वह भी उपलब्ध था इसमें। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो, यानी एक तरह से उन तक पहुंचाने की सभी व्यवस्थाएं हो गई थी। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे, जिससे किताबों की पहुंच निस्संदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या फिर कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गांव में भी होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। और याद रखिए, कोई भी आपसे कहा भी है कि कोई भी सामान अगर आप उत्पादन हो रहा है बाजार में, तो उसमें गरीब को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश में एक तबका, बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखते हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक भारतीय दंपत्ति सफेद स्याह काष्ट चित्र। इसमें कलाकार का यह डर उजागर होता है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलट पलट होगी, और मर्द वीणा बजा रहे हैं और औरत हुक्का खींच रही है। 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका तेज हो गई। याद रखिए, जो इस तरह के सुधार से, मतलब एक तरह से सुधार नहीं चाहते थे, वो लोग इस तरह की छवियां गढ़ते थे,
कि मतलब आप सोचिए स्त्रियों के प्रति एक नकारात्मक छवि जिससे सुधार ना हो सके, समाज के लोगों ने मतलब इस तरह का सुधार में सहूलियत ना दे सके। तो इस चित्र में आपको देख भी रहा होगा, इस चित्र को भी आप देख रहे होंगे, एक यूरोपीय दंपत्ति 19वीं सदी का काष्ठ चित्र। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है और साहब शराब की बोतल थामे हैं और मैम साहब वायलिन बजा रही हैं। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाओं और निबंधों में लिखा जाने लगा था कि निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरिता ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी, इस पुस्तक को याद रखिए और ज्योतिबा फुले को भी याद रखिए, एक अब 1871 की बात है, मैं जाति पिता के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर, मद्रास में ईवी रामास्वामी नायर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते थे, जाति पर जोरदार कलम चलाई। उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्ती पत्रिकाएं और गुटके भी छापे। याद रखिए, चाहे आप फिर ज्योतिबा फुले हो या भीमराव अम्बेडकर साहब हो या फिर आपकी ईवी रामास्वामी नायर भी हो, ये कोई भी हो, याद रखिए 1947 में जाकर आपको आजादी नहीं मिली। एक तरह से ये कह दिया गया कि अंग्रेज यहां से चले गए, अब आजादी मिलना बाकी था कि लोगों को किस तरह से समानता देते हैं आप लोग, किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उन्हें किस तरह से एक मतलब मेन स्ट्रीम यानी कि मेन मुख्य धारा, एक मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। सुधार की बात तो 1947 के बाद होती है, स्वतंत्रता की बात तो उससे पहले तो एक मतलब एक तरह से संघर्ष चल रहा था कि मतलब कि इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं बाद में कुछ ठंडा पड़ गया। आज भी आप सुनते रहते हैं कि किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया निचले जाति को, या शमशान में उनके उनकी जो भी शव है यानी कि जो आत्मा एक तरह से आप कह सकते हैं सबको जलाने की प्रथा या जो भी करने की प्रथा हो तो उसे नहीं करने दिया। इस तरह की बात आप लोग सुनते रहते हैं अक्सर, किसी के साथ कोई भी भेदभाव, तो आप कह सकते हैं कि हमें अभी पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली भी नहीं है। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिली थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छाप कर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश भी की। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए और जिसकी प्रेरणा उन्हें बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण भी दिया और उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, साक्षरता आए और उन पर राष्ट्रवाद का संदेश भी यथासंभव पहुंचे। ये आप दिखाई दे रहा होगा पिक्चर्स, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ है, 1868 से 1938 तक इनका जीवन रहता है। वे आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार रहे। बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानियां उनके उल्लेखनीय किताबों में से एक है। उन्होंने असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अनु अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि भी लिखा है। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि उस समय देखिए हर किसी ने भाग लिया संघर्ष में, कोई अपने पत्रकार, कोई बोलकर, कोई लड़कर, कोई इस तरह की संघर्ष करके, हर तरह ने, कोई चुप नहीं बैठा था। आज के समाज जैसा चुप नहीं बैठा था कि अगर समाज कहीं मरकट रहा है, किसी के साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो हम चुप बैठे हुए हमें क्या लेना देना। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कल ही परसों देखा कि कहीं किसी महिला को पीटा जा रहा है, किसी एमपी की बात है, वहां मतलब लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब ये तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारत की एक तरह से पहचान हो सकती है। भारत मतलब ये हकीकत है कि भारत रहेगा, लेकिन भारत की जो पहचान थी, जो भारत की आत्मा थी, वो नहीं रहेगी कुछ सालों बाद अगर ऐसा ही चलता रहा। अभी एमपी के कुछ बहुत पहले मैंने शिवपुरी में देखा था एक मामला कि पुलिस के द्वारा एक मतलब गरीब को यानी कि आदिवासी को पीटा जा रहा है और वहां लोग मीडिया वाले फोटो खींच रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, पुलिस मार मतलब बहुत सारे पुलिस वाले उसे पीट रहे हैं, मतलब बिल्कुल गरीब है, नॉर्मल उसके बच्चे उसे चिपटे हुए हैं। तो एक तरह से वो भी झकझोर देने वाली पिक्चर्स थी। क्या आप समझ सकते हैं कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं।
अगर इस तरह से चलता रहा तो देखिए भारत रहेगा आपके पास महाशक्ति बनने की, कुछ भी आप सैनिक हैं आपके पास, आप बल के द्वारा अपना भारत बचा सकते हैं, भौगोलिक स्थिति को संभाल के रख सकते हैं। जब देखिए आदमी जिंदा रहे उसकी आत्मा मर जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई अस्तित्व है या उसके जीने का कोई मतलब है। जिस दिन आदमी की आत्मा मर जाती है उस दिन असल में वो खत्म हो चुका होता है, उसके जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब तक जी रहा है, सालों जी रहा है या 200 साल या 5,000 साल। और कभी आप लोग अगर टाइम मिले तो आप लोग भी देखिए 1947 के बाद जिस तरह से हमारे भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाया गया, या हमारी संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, हमारी कल्चर को जिस तरह से धक्का दिया गया है, ये 1,000 साल पहले कभी भी नहीं हुआ है। कोई भी हमारे यहाँ आक्रमणकारी रहे, हमारे यहाँ तो वो समय था कि आप सोचते थे, एक समय देखते थे कि अगर किसी के गांव में भंडारा हो रहा है किसी घर, तो गांव की छोड़िए आसपास के गांव भी समट के उसके यहाँ खाना खाते थे, पूरी व्यवस्था होती थी। एक अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पूरा समाज एक तरह से इकट्ठा हो जाता था, किसी के घर में खाना नहीं बनता था। और आज आप देखिए कि किसी के घर में अगर कोई त्योहार भी है तो बगल वाला नहीं आ रहा है उसके, एक तरह से आप देख सकते हैं कि किसी के घर में अगर प्रॉब्लम आती है तो बगल वाला खुशियां मना रहा होता है उसकी। ये हम लोगों की आत्मा नहीं है, फिर हम लोगों में बाकी में फर्क क्या रह गया? तो इसे मुझे लगता है कि अगर हम किताबों में इस तरह की बात करें, इस तरह की अपनी संस्कृति को शुरू से ही जब से बच्चा सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग खाली रहता है ब्लैंक पेपर की तरह, उसे जिस तरह की आप शिक्षा देंगे उसी तरह में वो ढलेगा। तो हमें शुरू से ही इस तरह की भावनाओं को पैदा करना होगा। वो मुझे तो लगता है संस्कृति मतलब एक तरह में चैप्टर ही है, मतलब एक किताब ही रख देनी चाहिए पूरी, बचपन से लेकर पूरा बुढ़ापा तक पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कुछ बच सकता है। और आप सोचिए जब कोई गिर रहा है रास्ते में, कोई उसे उठा नहीं रहा है, तो क्या मतलब है हमारी इंसानियत का? आप खुद कभी इस पर विचार कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने बोला था कि यही कॉलेज की बात थी, वहां मैंने देखा कि एक बूढ़ी माँ गिर जाती है, मतलब जो भी उससे प्रॉब्लम, अब बुढ़ापा था, घर से निकाल दिया वो अलग बात होती है, जिसने निकाला उसकी मानता है, जो भी भगवान जो भी देखता है। लेकिन वहां जो लोग खड़े हुए हैं, जो लड़की लड़के हैं, कोई उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये हमारा समाज, या हम इस समाज के हिस्से हो सकते हैं, या हमारा भारत ही वही भारत है जहाँ लोग आप देखते हैं कि एक दूसरे के लिए जान दे दिया। महात्मा गांधी को देखिए या किसी भी को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें झांकना भी होगा, और आप सोचिए बड़ी मतलब इस पर बात भी करनी होगी आगे, आपका पेरेंट और प्रतिबंध, क्योंकि आपने देखा है कि अंग्रेजों ने काफी हद तक इस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले का उपनिवेशित शासन सेंसरशिप या फिर पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशान नहीं था। मजेदार बात यह तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इनके इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे इनके निंदक कहीं भारत पर इसके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला ना बोल दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने बेतानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के विकासन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग बेंटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। फिर उदारवादी उपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकोले ने पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून भी बनाए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मोह बंद करने की मांग की, और ज्यो ज्यो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद की से समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों उपनिवेशिक सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेजी होने लगी। और आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में इस कानून को आप लोग याद रखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीयों को सेंसर करने की व्यापक हक भी मिल गए। अब से सरकार ने विभिन्न देशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित रूप नजर रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी,
और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनों को छीन लिया जाता था, यानी कि अपने अंडर ले लिया जाता। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में फैलते गए। उन्होंने उपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखा। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध भी किया। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी भी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया और जिसके परिणामस्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध भी हुआ बाल गंगाधर तिलक को। एक बात और आपको बताऊंगा, आज भी आप देखते हैं कि कोई न्यूज़पेपर अगर सरकार के खिलाफ लिखता है तो उस पर भी तो सेंसरशिप इस तरह की प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उसे भी तो जेल में डाल दिए जाते हैं या फिर मरवा दिया जाता है। तो आप समझिए अंग्रेज अगर उस समय लिखते थे तो एक राष्ट्रभावना भी जागृत होती थी, लोग जागरूक भी होते थे कि हमारा शोषण कर रहे हैं। लेकिन उस समय अच्छी बात यह थी कि लोग कितना भी सेंसर लगाए जाए, कितनी भी सजाएं दी जाए, कितनी भी यातनाएं दी जाए, लेकिन फिर भी लोग अपने काम से पीछे नहीं हटते थे, यानी अपना काम करते रहते थे, अपना छपाई खाना का काम करते रहते थे। कई न्यूज पेपरों, कई आप देखते हैं पुस्तकों पर उस समय भी प्रतिबंध लगाए गए, क्योंकि ये जो भी पत्र निकलते थे ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ करते थे और जनता को जगाने, एक तरह से राष्ट्रवाद के जोड़ने में का काम करते थे। और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की व्यवस्था हो कि उनका मतलब उनकी सत्ता उनके हाथ से निकल जाए। और आपने देखा है 1947 तक आते आते आप देखते हैं इनका भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि आजादी में, भारत की आजादी में न्यूज पेपरों का क्या रोल रहा, यानी कि इनका क्या महत्व रहा है, चर्चा कीजिए, आप इन्हीं सबको बात कर सकते हैं। कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेट्समैन के संपादक पद के लिए सैंडर्स को बुलाया गया तो उसने पूछा कि आजादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेंड ऑफ इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसे भी देख लीजिए, मुद्रित शब्द की ताकत का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। उपनिवेशिक प्रशासन हमेशा तमाम किताबों पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों की जमानत देनी पड़ी थी। इनमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रॉलक्ट के अधीन कार्यरत षड्यंत समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी तमाम रपटें इसी के तहत सेंसर होती थी। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया है। आप समझिए कि अगर सरकार की आप बात मान लेते थे तो आप न्यूज़पेपर चला सकते थे, लेकिन अधिकतर लोग यही करते थे कि अपना न्यूज़पेपर बंद कर दिए थे, यानी कि उन्हें गुलामी मंजूर नहीं थी एक तरह से। यहाँ भी आपका एक पॉइंट है, गांधी जी ने 1922 में कहा कि वाणी की प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, सामूहिकता की आजादी, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने की इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। आप समझिए कि आज भी तो आप देखते हैं स्वतंत्र आपको बोलने की आजादी मिली हुई है आर्टिकल 19 के तहत, आपकी प्रेस की आजादी मिली हुई है, तो इस तरह की आजादी है। लेकिन फिर भी आजादी मिलने के बाद भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी भारत और समकालीन विषय सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स थी कक्षा 10 के लिए, ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 10वीं की आपकी एक और बुक्स बचती है जो आपके लिए जरूरी है। तो इसमें क्या क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भूमंडली के विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये सभी चैप्टर खत्म कर चुका हूं। इसमें बचती है एक साइंस की बुक आपकी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और टेलीग्राम पर आपकी सभी डाल दी गई थी, वहां से डाउनलोड भी
कर लीजिए और रख लीजिए, अगर टाइम मिलता है तो वहां से भी एक से दो बार आप लोग पढ़ लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले अधिक से अधिक बार इसे पढ़ते रहिए, क्योंकि यही है मेन आधार आपके, आपकी सोच विकसित करने का।